सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान रूस की दोस्ती हिस्ट्री की बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई। पाकिस्तानी फौजियों की रूस में हिस्ट्री में पहली बार तरबियत का तारीखी मुआहिदा तय पा गया। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाकिस्तानी फौजियों की रूस में तरबियत का तारीखी मुआहिदा तय पा गया। पहली मरतबा पाक फ़ौज के जवान रूस में फौजी तरबियत हासिल करेंगे। वजारत दिफा में पहला पाक रूस मुश्तरका फौजी मुशावराती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तानी वफद की क़्यादत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुल हसन शाह, जबकि रूसी वफद की क़्यादत नायब वज़ीर दिफा अलेक्ज़ेंडर फोमैन ने की। इजलास में दो तरफा दिफाई तआवुन पर तफसीली गुफ्तगू हुई और अफगानिस्तान और मशरक़ वुस्ता की सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद रूसी इदारों में पाकिस्तान को तरबियती सहूलियात के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्ज़ेंडर ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई तआवुन पर बातचीत हुई और इलाकाई सलामती की सूरतेहाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने कहा है कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आलमी सतह पर मरबूत तआवुन की ज़रूरत है, जबकि पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ लायक तहसीन हैं। इलावा अजी रूस के सेनेटर फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजीज के डिप्टी डायरेक्टर कॉन्स्टेंटन मैकनो का कहना है कि रूस ने अब पाकिस्तान को SU-35 लड़ाका तैयारों की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि रूस भारत को नाराज नहीं करना चाहता था, ताहम 5th जनरेशन प्रोग्राम के मुतालिक भारतीय रवैये की वजह से रूस को पाकिस्तान में SU लड़ाका तैयारों को फ़रोग देना चाहिए। दूसरी सूरत में चीन, जनूबी कोरिया या तुर्की कंपनियां तकरीबन 5 वर्ष में इस मार्केट पर छा जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।